समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। प्रेमनगर क्षेत्र की महिलाओं ने दबंगों के खिलाफ एसएसपी से की शिकायत। दरअसल झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं ने शुक्रवार सुबह 11 बजे एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मेरा मेरे पति से विवाद चल रहा है, मैं अपने मायके वृद्ध माँ और छोटी बहन के साथ रहती हूँ। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ दबंग लोग आए दिन मुझसे अश्लील हरकतें करते हैं। जब इसकी शिकायत डायल 112 से की तो पुलिस घर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने बुलाया, जहां पहले से दबंग लोग मौजूद थे, साथ में उनके साथ कुछ महिलाएं भी थी। जब मैं प्रेमनगर थाने अंदर जा रही थी तो उन महिलाओं ने पुलिस के सामने चप्पल लेकर मारने के लिए दौड़े और पुलिस के ही सामने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिलाओं ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हम तो सर हम बहुत परेशान हैं, हम अपने मायके में रह रहे हैं, हमारे हस्बैंड के साथ हमारा मैटर चल रहेगा, जिसके तहत मतलब हमारे जो पड़ोसी आएंगे वो हमसे आए दिन हमसे बदतमीजी असली हरकतें करते हैं, हमसे बोलते हैं कि मतलब अपने आदमी तुम्हारा आदमी तुम्हें रख नहीं रहा है तो मेरी लुगाई बन के आ जाओ। तो सर एक बार बताइए, मैं मतलब अपने मायके में रह रही तो मैं कैसे रह रही हूँ उनके संग में रहने के लिए। मैं परसों रात में अपनी बहन के मेरी बहन ने बोला पेन लेके आओ, तो मैं पेन लेके वहाँ से आ रही थी, तो रात में 9 बजे की बात है कि तो बंटी वहाँ से आया तो उसने मेरे पीछे ऐसे हाथ मारा, तो मैंने कि ये क्या बदतमीजी है, तो मेरे सीने पर हाथ मारा और मुझसे माँ बहन की गाली गाने लगा। हल्ला सुन के इनकी औरतें आ गई, औरतों ने मुझसे बदतमीजी की मतलब गाली गलौज करी और फिर उसके बाद गाली गलौज करने के बाद डंडा लेके आ गई, उसका वीडियो मेरे पास हैगा। और क्या कहते हैं मतलब जब उन्होंने डंडा उठाया तो मैं अपने घर भाग गई, घर गई तो मैंने 112 डायल किया, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने हमें मतलब दोनों पार्टी से ये बोल दिया कि थाने आओ। थाने गए, थाने में कोई मतलब वो नहीं हुआ, हम लोग वहीं बैठे रहे तो हमारी बहन के उनकी जो घर की औरतें थी वो हमारी बहन के चप्पल लेके दौड़ी हमारी बहन के ऊपर पुलिस वालों के सामने, उधर पे मतलब उनका कोई भी मतलब वो सपोर्ट नहीं करा, ना पुलिस वालों ने कुछ कहा ना उधर के कोई मतलब कोई बोला। ये है कि मेरे पड़ोस में जो रहते हैं बंटी अहिरवार, रवि अहिरवार, जो आए दिन छेड़खानी करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, शराब पीकर किसी ना किसी को मारते हैं, गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं। तो मेरी बहन अभी मायके में रह रही है, जिसका अभी ससुराल में थोड़ा मैटर चल रहा है, तो वो मेरी बहन से बोलते हैं कि तुम्हारा आदमी तो रख नहीं रहा तो मैं, तो तुम मुझे रख लो, ठीक है। तो मेरी बहन रात में 9 बजे पड़ोस वाली दुकान पे पेन लेने गई थी, तो मेरी बहन वहां से आ रही थी तो मेरी बहन को बंटी अहिरवार ने पीछे हाथ मारा, तो मेरी बहन ने बोला ये क्या बदतमीजी है, तो उसने सीने पे हाथ मारा, जब सीने पे हाथ मारा तो गंदी गंदी गाली गलौज करने लगा, तो ये सुनकर उनकी घर की औरतें आ गईं, वो बोलने लगी मेरे आदमी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो भी गाली बकने लगी। जब मेरी बहन बोलने लगी कि तुम लोग बदतमीजी क्यों कर रहे, तो उनके घर के आदमी लाठी डंडे लेके आ गए, जिसमें मुकेश अहिरवार, अरविंद अहिरवार ने हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी, गंदी गंदी गाली गलौज, जिसका वीडियो भी हमारे पास हैगा, उन लोगों ने आके धमकी दी हम लोगों को। फिर हम लोगों ने हमारी बहन जान बचा के घर के अंदर आ गई, तो हम लोगों ने 112 डायल किया, पुलिस आई, उसको घर से बाहर नहीं निकाला गया, बोलने लगे कि वो घर में नहीं है। जब हम लोग दोनों पार्टी थाने पहुंचे, थाने में उनके घर की औरतों ने हमें मारने के लिए, मुझे मारने के लिए चप्पल उतार दी पुलिस वालों के सामने, गंदी गंदी गाली गलौज करी गई। हमने बोला कि सर हमारी क्या सेफ्टी है, घर के सारे आदमी थाने के बाहर खड़े थे, हमने पुलिस वालों से बोला कि जो हैं जिनने बदतमीजी की है वो तो थाने के बाहर खड़े, तो अपने बंद करो, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, ना उनको बंद किया गया। तो फिर उन्हीं की सुरक्षा में रात में 12 बजे पुलिस खुद हमें घर पे छोड़ने आई, बाहर इतने जेंट्स सब शराब पी के हम लोगों को मारने के लिए खड़े थे, हम लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है, हम लोगों की जान का खतरा है, खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें हम जान से मार देंगे, जेल तो हमें जानेंगे, इसलिए हम एक आध को जान से मार के जाएंगे।